बाबा बुलडोजर काम कर रहा, काम कर रहा बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं हुआ भैया, ये ग्राम ये बाजार वासी है, इनको ज्यादा दिक्कत हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, जितना सरकार का आके लीगल है ले लीजिए, ऐसे कि हम सब व्यवसाय करने वाले आदमी हैं, हम सब बोले कि शाम तक उसको हटा लेंगे जो टीना, लेकिन उसको जो है तोड़ ताड़ दिए, अब तक 25 बता रहे थे, हमारा 40 फीट गिरवा दिए, और जो उनके रिश्तेदार है उनका नहीं गिरवा रहे हैं। जो 25 फीट बताया गया था, एक बार मैं कहना चाहूंगा, जो 25 फीट बताया गया था उसको 40 फीट तक गिरवा दिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रामपुर भगन में हम लोग मौजूद है, रामपुर भगन में आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है, बाबा जी का बुलडोजर यहाँ चल चुका है, और मार्केट में जितना भी अतिक्रमण था सभी को हटाया जा रहा है, एक लाइन से आप लोग देख सकते हैं ये बाबा जी का बुलडोजर चल गया है, और लगातार भीड़ आपको दिखाई दे रही है, और जितनी भी दुकानें किनारे हैं ये सारी दुकानों को हटा दिया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं सामने हमारे जेसीबी है, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। भैया क्या मामला हुआ भैया? बस यही हो रहा है कि रोड जो है, जो रोड का है, रोड पे ज्यादा घर बना लिए थे, इसकी वजह से रोड थोड़ा चौड़ा होने के लिए ये हो रहा है, तो मार्केट में चौड़ीकरण के लिए कहा हो रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है। बाबा जी बुलडोजर चालू कर दिए, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे, बाबा बुलडोजर काम कर रहा, काम कर रहा बढ़िया, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है, आप बेहतर भैया 25 फुट आज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ भैया, ये ग्राम ये बाजार वासी है, इनको ज्यादा दिक्कत हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, जितना सरकार का आके लीगल है ले लीजिए, सही है भाई, 35 फुट लीजिए, लेकिन जल्दी लीजिए, हाँ ये परेशान मत हो, चच्चा हमारे परेशान हो रहे हैं, बाजार वासी बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, नहीं कोई दिक्कत में नहीं आएंगे, सब बहुत बढ़िया, नहीं 50 फुट लेना, जितना सरकार का आइए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे चच्चा जान परेशान हो रहे हैं, तो जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ के जितने कारोबारी है सड़क, हमारे बाजार, हमारे ग्राम निवासी है, चच्चा जान है ना, बाबा का बुलडोजर देख के परेशान हो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जितना सरकार को अकेले लेके, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा होने लेने दीजिए, आप टेंशन मत लो, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बुलडोजर मौके पे चल रहा है, और बाजार में जितनी भी दुकानें आगे बढ़ी हुई थी सभी को तोड़ दिया जा रहा है, और आप सामने देखेंगे ये दुकान अभी तोड़ी गई है, बुलडोजर आगे जा रहा है, पूरी मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी सामने दुकानें हैं उन सभी को तोड़ दिया जा रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिनेश बात करना चाहेंगे आपसे, तो कब से ये कार्य, कब से शुरू हुआ, कब से तोड़ना फोड़ना शुरू हुआ? अभी लगभग 12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास, तो अल्टीमेट आप लोगों को दिया गया था? हाँ, दो दिन पहले बताया गया था, दो दिन पहले बताया गया था, जी जी, इसको हटा दीजिए, जी जी, और उसके बाद आज खोलने का टाइम ही नहीं दिए, नहीं तो खोलने का टाइम नहीं दिया गया है, जी जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रशासन ने 2 दिन का अल्टीमेट दिया था, उसके बाद खोलने का टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि टाइम को बढ़ाया जा सकता है 24 घंटे के लिए, वो टाइम दिया जा सकता है, कारोबारी है, जैसे कि हम सब व्यवसाय करने वाले आदमी है, हम सब बोले कि शाम तक उसको हटा लेंगे जो टीना, लेकिन उसको जो है तोड़ ताड़ दिए, तो जैसे प्रशासन से आप लोगों ने कहा था कि शाम तक हम लोग हटा लेंगे, तो हम सबको जो है वो लाठी चार्ज कर रहे थे, अच्छा, बोल रहे थे चौकी में बैठा उनको, चौकी बैठाने तक की बात कर दे, जी जी तक की बात, जी 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 जी, तो देख सकते हैं प्रशासन कितने उग्र होकर इस काम को करा रहा है, इसको 24 घंटे के बाद भी कराया जा सकता था, 48 घंटे के बाद भी कराया जा सकता था, लोगों को और भी टाइम दिया जा सकता था, सर हमारी दुकान थी, हम खुद कह रहे थे, हमको जो है वो क्या नाम है चौक, मतलब कह रहे थे इनको लगे चलो चौकी पे, जी ये गुंडे ज्यादा कर रहे हैं, अच्छा जी, तो पुलिस वाले और प्रशासन का हाल आप लोग जानते हैं, मैंने कई सारी वीडियो में बताया भी और दिखाया भी है आप लोगों को, कि आप सामने देखिए किस तरीके से उखाड़ दिया गया है, और ये समय दिया जा सकता था, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, भैया समय आपको और दिया जा सकता था, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से व्यापारी काफी परेशान है, कम से कम उनको सामान हटाने का समय दिया जा सकता था, उनका जो नुकसान हुआ है उसके लिए उनको समय दिया जा सकता था, जो कि नहीं दिया गया, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से तहस नहस कर दिया गया, नुकसान कर दिया गया, व्यापारियों को थोड़ा और समय दिया जा सकता था, 24 घंटे का और समय दिया जा सकता था, जो अपना सामान वो हटा ले, लेकिन वो समय नहीं दिया गया, प्रशासन की तरफ से उग्र होकर ये काम को किया गया, या आपको कितने दिन का समय दिया गया था? 1 दिन का, कल अलाउंस हुआ, वो आज बुलडोजर लगा दिए, मतलब 24 घंटे के अंदर, बस 24 घंटे भी नहीं बीतने पाया, तो आज जब आए आप लोगों को कहा गया कि हटा लीजिए, उसके बाद हम लोग खोलने के लिए जुटे, जब तक तब तक 25 बता रहे थे, हमारा 40 फीट गिरवा दिए,
और जो उनके रिश्तेदार है उनका नहीं गिरवा रहे हैं। जो 25 फीट बताया गया था, एक बार मैं कहना चाहूंगा, जो 25 फीट बताया गया था उसको 40 फीट तक गिरवा दिया गया है। इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई शासन करेगा और कौन करेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिसको 25 फीट बताया गया था उसका 40 फीट गिरा दिया गया है। हमारा नहीं, हाँ, आपका नहीं गिरा गया। तो व्यापारी जितने भी हैं रामपुर भगन के सभी परेशान हैं। मेरे सामने कैमरा लगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं व्यापारी जो रामपुर भगन बाजार के हैं सारे व्यापारी परेशान हैं, और जिसको बताया गया था 24 घंटे का समय दिया गया था, और किसी कोई कोई दुकानें ऐसी हैं जैसे आपका बताना है कि आपको बताया गया था 25 फीट हटाने के लिए अलाउंस किए। हाँ, बताया नहीं गया था, अलाउंस किए थे, न कोई नोटिस आया है, न सम्मान, न कोई जानकारी नहीं है, कोई नोटिस नहीं दिया गया है बाजार में किसी अधिकारी था। एक बैटरी रिक्शा वाला था, उसी पे एक आदमी बैठे थे, बस बैटरी रिक्शा वाला आया था और उसके साथ एक आदमी बैठा हुआ था। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अनाउंस वही बाजा से अपने बता रहे थे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कोई अनाउंसमेंट एक तरीके से सिर्फ बैटरी रिक्शे में चला था, उसके बाद से कोई नोटिस नहीं दिया गया, और जिसकी दुकान को 25 फीट हटाने के लिए कहा गया वहाँ 40 फीट तक गिरा दिया गया। और इनकी भरपाई कौन करेगा? इसका जो नुकसान हुआ है उसको कौन देखेगा? दोस्तों आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या स्टोरी।